एक बार की बात है, अपने किसी न्यायाधीश ने एक मुकदमे को सुनते हुए सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा था। आज देश की स्थितियां सिर्फ सीबीआई नहीं, बहुत कुछ मुझे पिंजरे का तोता दिखाई पड़ता है। उसी पर एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है अयाचित उद्घोष। पृथ्वी पर देश है, देश में शहर है, शहर में घर है, घर में पिंजरा है, पिंजरे में कैद है तोता, बंद है दरवाजा। उड़ने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए कतर दिए गए हैं तोते के पर, और बिठा दिया गया है बिल्ली को पहरे पर। पूर्व निर्धारित कर दिया गया है तोते का काम, भजना है राम राम, उसके बाद ही उसको मिलती है रोटी। रोटी की एक फितरत है, वह खाली पेट की जरूरत है और भरे पेट का नशा। नशे में उड़ान भरता पर कैच तोता विभ्रम में है, देखता है कि विराट होता जा रहा है खुले कृष्ण मुख की तरह पिंजरे का आकार, जिसमें समा गया है घर, फिर शहर, उसके बाद देश भी। देखता है घर का मालिक तोता है, नगर का कोतवाल और देश का लोकपाल भी तोता है। यंत्री तंत्री मंत्री संत्री की आत्माएं तोतों में हैं, और तोते समाते जा रहे हैं काल के गाल में राम नाम के सत्य होने का उद्घोष करते हुए। एक छोटी सी कविता, पद बरगद, पर उस पर बैठने वाले का कद बोनसाई, उससे छाया की उम्मीद मत रखना मेरे भाई, उससे छाया की उम्मीद मत रखना मेरे भाई। इस कविता का शीर्षक है नौकरशाह। आज नौकरशाह की स्थिति बड़ी प्रश्नांकित है। इस कविता को लिखते हुए मैंने कुछ नामों का प्रयोग किया है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, उनके बारे में थोड़ा सा कह दूं। हरियाणा के एक आईएएस अफसर नौकरशाह हुए हैं, जिनके के अपनी जिंदगी में 40 से अधिक ट्रांसफर हुए, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करते थे, ऊपर वालों को पसंद नहीं आता था, तो आसान सा इलाज था, ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। खेम का उनका सरनेम था। एक और शब्द प्रयोग किया, खामखा का मतलब है बेकार का आदमी, जो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कह सकता, बकवास कुल मिलाकर के। और तीसरा प्रयोग किया है मुगल बादशाह शाहजहां का, जिसको अपने पुत्र औरंगजेब ने ही सत्ता से हटाकर कैद कर दिया था। आज के नौकरशाह के संदर्भ में ये सारे प्रयोग किए हैं मैंने। आप कविता सुने। नौकरशाह, क्या सोचते हो तुम कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ नियमों और कानूनों के मुताबिक काम करोगे? तो मित्र, कल खेम का बना दिए जाओगे। यदि काम नहीं करोगे तो बच रहोगे, चाहे खाम खा बनकर की सही, और यदि ऊपर वाले के इशारे पर रख दोगे उठाकर कानून को ताक पर, तो आज के शहंशाह हो न हो, जिंदगी में कल के शाहजहां तो हो ही सकते हो। आभार, धन्यवाद।